सो हेलो योर फैमिली, वेलकम बैक। आई एम रीता मैन, यू आर वॉचिंग ब्लू लस्टर यूट्यूब चैनल। बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो आज का जो वीडियो है वो हम लोग के अपाची आरटीआर 310 के ऊपर है, जो कि अपने इंडियन ब्रांड टीवीएस की तरफ से आता है। तो आप लोग को पता ही होगा अपाची बहुत फेमस है यंगस्टर्स के बीच में। अपाची क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और ये अभी तक अपाची का सबसे बड़ा सीसी या सेगमेंट का बाइक है। सो जो भी हो, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला चीज़ जो है कि अपाची आया कहाँ से, या तो ये अपाची आरटीआर 310 आया कहाँ से। तो सभी को पता है कि अपाची का इंडियन मार्केट में अपाची 160, अपाची 164V, अपाची 180 और अपाची 204V चार मॉडल अवेलेबल है अपाची का। और ये 310 कहाँ से आया? 310 आया हमारे फेयर्ड वर्जन अपाची के आरआर 310 से, उसी का सिबलिंग बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि KTM के तरफ से आता है KTM ड्यूक 390, उसको कम्पीट करने के लिए कोई भी एज सच बाइक निकाला नहीं गया था। डोमिनार 400 है, बट डोमिनार 400 फीचर्स में बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक। सो कहीं ना कहीं पे उसको टक्कर देने के लिए ये वाला बाइक आरटीआर 310 स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया था, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। सबसे पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ। प्राइस जो है एक शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड आप लोगों के स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या सिटी वाइज आरटीओ चार्जेस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप लोगों को मैं एक शोरूम बता देता हूँ। एक शोरूम जो है 242,000 से 264,000 तक मिल जाता है, एज़ पर योर कलर एंड द वेरियंट यू चूज। सो अभी हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जो कि 312cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन है। और इस इंजन का एक खास बात है कि ये इंजन रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है। इसमें क्या मतलब एडवांटेज आप लोग को मिल जाता है कि हीट मैनेजमेंट बहुत हद तक बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल 300cc मोटरसाइकिल। जैसे मेरा बाइक ही पकड़ लो, नॉर्मल इंक्लाइंड हम लोग जैसे जो रहता है नॉर्मल इंजन, उसमें थोड़ा सा हीट करता है, तो ये रिवर्स इंक्लाइंड में क्या होगा कि उल्टा घूमता रहता है, तो उसमें हीट उतना फील नहीं होगा। तो पावर फिगर्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो गाड़ी का पावर है वो 35.5 BHP का पावर है 9,700 RPM में, और जो टॉर्क है 28.6 Nm ऑफ टॉर्क। और आप लोग को इस गाड़ी में स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा, क्विक शिफ्टर मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया एक फीचर बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में, जो कि आप लोग को लाइट्स में मिल जाता है। तो पहले लाइट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इस बाइक में जो लाइट्स मिलता है वो ऑल LED सेटअप है, क्योंकि मतलब सामने भी आपको LED हेडलाइट मिलेगा LED ब्लिंकर्स के साथ, पीछे भी आपको LED बैकलाइट मिलेगा ब्लिंकर्स के साथ। सो जो मेन मैंने आपको बताया कि एक फीचर है जो कि इस सेगमेंट में सेगमेंट फर्स्ट है, ये वो है डायनामिक हेडलाइट। अब डायनामिक हेडलाइट का काम क्या है मैं आपको आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप बाइक को थ्रॉटल देंगे ज़्यादा, मतलब इन द सेंस आप लोग 60 में चला रहे हैं, तो 60 से 80 में जब भी आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पे लाइट का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा देता है। सो यही एक छोटा सा शॉट में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि डायनामिक हेडलाइट ऐसा ही होता है। अभी चलते हैं हम लोग ब्रेक्स के बारे में। ब्रेक्स में आप लोग को जो मिल जाता है वो 300mm फ्रंट डिस्क है और 240mm का रेयर डिस्क है। टायर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। टायर जो मिल जाता है आप लोग को 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है सामने, रेडियल टायर मिल जाता है, और पीछे 150 सेक्शन का रेडियल टायर मिल जाता है। और टायर का इंचेस के बारे में बताता हूँ, दोनों 17 इंच का व्हील मिलता है आप लोगों को। तो अभी हम लोग सीट हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जो सीट हाइट में आप लोगों को मिल जाता है वो है 800mm सीट हाइट मिल जाता है। सस्पेंशन में हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। आप लोगों को एक और फीचर मिल जाता है, फीचर बोलना गलत होगा, अभी ऑलमोस्ट सब गाड़ी में मिल रहा है ये भी है, और भी गाड़ी में अभी भी नहीं मिलता है, जो कि आप लोगों को एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाता है इसमें। ब्रेक एज वेल एज क्लच दोनों में आप लोगों को एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाए, 5-स्टेप एडजस्टेबल लीवर्स आपको मिल जाता है इसमें। तो चलिए अब आते हैं सस्पेंशन में। तो 41mm का USD सस्पेंशन मिल जाता है आप लोगों को, आई गेस सोवा के तरफ से आ रहा है वो फ्रंट सस्पेंशन। और पीछे आप लोगों को मोनोशॉक नाइट्रोक सस्पेंशन मिल जाता है, वो भी शायद से 5-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। तो चलिए आप लोगों को अभी मैं फ्यूल टैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्यूल टैंक जो है 11 लीटर्स उसमें मिल जाता है आप लोगों को, जिसमें माइलेज आप लोगों को 28 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है। ये मैं आपको रियल माइलेज बता रहा हूँ, ठीक है। और फुल टैंक में 316 किलोमीटर या 320 किलोमीटर्स तक ऑलमोस्ट चला जाता है।
ये आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये सब हम लोगों ने, या माइलेज ही पकड़ लीजिए मेन, हम लोगों को माइलेज जो आप लोगों को बताया वो इन रियल कैसे बता रहे, क्योंकि हम लोग खुद का टीम जाके बात किया था ओनर से एंड हम लोग चला के भी देखे। ये सब जो चीज़ें हम लोग बताए आपको, ये सब हम लोग पूरा टेस्ट किए बाइक को, उसके बाद आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा फीचर्स के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को इसमें TFT मीटर मिल जाता है, 5 इंच का TFT मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको 5 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड। ट्रैक मोड और स्पोर्ट्स मोड ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा ट्रैक्शन का फर्क आ जाता है उसमें। ट्रैक मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई भी काम नहीं रहता है, स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैक्शन आपको ज़्यादा मिलता है। तो यही था कुछ इसका आज का वीडियो, इसमें आप लोगों को क्या क्या मतलब इसका प्रोज एंड कॉन्स आप लोग को अलग से मैं शॉर्ट्स में डाल के दे दूंगा, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि क्या गलत हो रहा है या क्या सही हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।